कोई चरित्रता जरूरी हो गया, कोई चरित्रता जरूरी हो गया, बातों पे मेरे कोई नेहमत करियो रे, हम तो पुजारी अपने बांके बिहारी के, बांके बिहारी के, बांके बिहारी के, हम तो पुजारी अपने बांके बिहारी के, बांके बिहारी के, बांके बिहारी के, बरी हो दुनिया चाहे आग में भी जलना हो, रास्ता न रोको मेरा जाने बनवारी से, जाने बनवारी से, बने बनवारी से, दास की उदासी हो जग में उपहासी हो, दास की उदासी हो जग में उपहासी हो, हम तो न जाने कोई और किसी बातों को, हम तो न जाने कोई और किसी बातों को, क्यों नहीं जानते भैया, क्यों नहीं जानते, बैरी है दुनिया कोई न अपना, बैरी है दुनिया कोई न अपना, इस जग का है झूठा सपना, इस जग का है झूठा सपना, मैं तो लूटू आनंद अपना, मैं तो लूटू आनंद अपना, कि हमारे बिहारी है हम बिहारी के हैं, ये दुनिया सारी बिहारी उन सारों में, हमसे कोई बैर मत करियो, हमारी निंदा भी मत करियो, क्योंकि पता क्यों, हम तो पुजारी एक टेढ़ी टांग वाले के, हम तो पुजारी एक टेढ़ी टांग वाले के, हम तो पुजारी जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि तेरे पिताजी का धन कैसे भी खर्च कर दियो, पापा ने अगर 10,000 दिया होगा तो मम्मी ने चुपके से 1,000 जरूर दिया होगा, माँ का प्रेम कहती लाला ले जा, तेरे पिता के धन को कैसे भी खर्च कर देना, लेकिन मेरे इस धन को आने के लिए सदुपयोग में खर्च करना मेरे लाल, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे मेरे पास आने के लिए धन की व्यवस्था ही ना हो और मैं यहाँ पर तेरा रास्ता देखती नहीं रहूं, जैसे आज यहाँ हमारी साधारण माताएं करती है ना शांति, ऐसे जब ये जीवात्मा इस धरा पे आती है तो वैकुंठवासी श्री हरि सब कुछ देते हैं। लक्ष्मी जी इस जीवात्मा को अकेले में ले जाती है और श्रद्धा रूपी धन देती है, कहती जा मृत्यु लोक में जा करके जब तेरी सारी संपत्ति खत्म हो जाए तो इस श्रद्धा रूपी धन के सहारे सत्संग में चले जाना और सत्संग की नाव में बैठकर पुनः यहां तक चले आना, अजन्मा हो जाएगा। कन्हैया जी अब बाल लीलाओं का आनंद लेने लगे,
माँ से कहने लगे अब नहीं मानती माँ तो मैं बताता हूँ। बोले भयो गैयन के पीछे, 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 मधुबन हो दो वनों का ज्यादा जिक्र आया है, वृंदावन और ब्रज में। कौन कौन से वन है? कितनी बार मथुरा वृंदावन गए? एक मधुबन है और दूसरा निधि वन है। मधुबन वो वन जहां पर खाने के लिए पीने के लिए मधुर ऋतु फल हो, और निधि वन वो है जहां बिहारी जी रास रचाते थे। अरे माँ और भयो गैयन के पीछे, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने मुझे कहां भेजा था? मधुबन में, जहां मीठे मीठे फल थे। तो मैया उन मीठे फलों से, मीठे फलों से मेरा पेट नहीं भरा जो मैं मक्खन चुराने लगा। मैं तो सवेरे चला गया था, और रही बात मेरी तो मैया मेरी ऊंचाई तो बड़ी छोटी है। छोटे छोटे पौआ छोटो खड़ौआ, छोटे छोटे पौआ छोटो खड़ौआ, छोटे छोटे पौआ छोटे खड़ौआ, छोटे पौआ छोटे खड़ौआ, छीको। अब तो छीको का मतलब ही नहीं समझ में आता होगा ना जी, अब तो सब आधुनिक युवा होगा ना। छीको ब्रज भाषा में बोलते, पूर्वांचल में सिकहर बोलते। घर के अंदर दूध दही एक रस्सी का बना कर रखा था, उसपे छींको। मैया मेरे पैर छोटे, मेरे पैर की खड़ाव छोटी है, भला मैं वहां तक पहुंचूंगा क्या? छींको कहीं भी पायो मैया, मैं नहीं माँ करुणता, कंठ में रुद्रता आ गई, नेत्रों में आंसू गए। कहे मैया या तो मैं तेरी मान लूं या तो फिर मेरी मान, नहीं तो क्या करूंगा? यह ले अपनी लकुटी कमरिया, ले अपनी लकुटी कमरिया, ले अपनी लकुटी कमरिया, ले अपनी लकुटी कमरिया। आजकल के बच्चे भाई, हमारे शिष्य मंडल जो रहते हैं, कभी भोजन भजन में देर हो जाए तो कह देते हैं गुरुजी भूखे भजन ना होए भुआला, ये लो अपना कंट्री माला। और हमारे यहाँ तो ज्यादा ये तकलीफ है जी, ना समय से खाना ना समय से सोना।
कन्हैया जी कहते हैं बहुत तड़पाते हो, बात बनेंगी नहीं, या तो आप मेरी मान लो या मैं आपकी। ये ले अपनी लखती कमरिया, बहुत नचाया भैया, अब नहीं आऊ। ले अपने लखती कमरिया, बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं बाखल खायो मैया मोरी, मैं नहीं बाखल खायो भाव को देखते ही माँ यशोदा के नेत्रों में अश्रुधा रहे बहने लगी। बड़ा चंचल है बुढ़ऊ दादा, बात तो ऐसे करता है जैसे 70 साल का बूढ़ा। भाव जग गया, वात्सल्य भाव का आनंद हो गया, कन्हैया के होठों पे मुस्कान, नेत्रों में अश्रुधारा, और इधर यशोदा के होठों में पानी में करुणता अमृत रस, नेत्रों में अश्रुधारा, पकड़ करके सूरदास तब यहां सब कुछ कहता है। बिहस बिहस बिना हंसे मंद मुस्कान लेते हैं आचार्य, बिना हंसे बी हंसे, और अगर इकार हटा दे तो बाहस हो जाएगा। एक मात्रा के लगते ही जीवन सुधर जाता है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। तो तिवारी बाबा सियारा के लिए एक बढ़ जाए तो फिर 2.5 दूनी 5.5 होगा, है ना? एक मात्रा लक्ष्मी, एक मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो 2.5 दूनी 5 नहीं 5.5। बिहस है ना, ई हटा दो खाली, ई हटते ही क्या हो गया बहस, और एक ई लगा दिया तो यहां शब्द कहा जीवात्मा को और ये कहा ईश्वर को। अगर जीवात्मा के साथ ईश्वर का नाम जोड़ दे तो नर से नारायण हो जाए। सूरदास जी कहते हैं नंदलाल की इस भाव को सुनकर मैया ने पकड़ लिया, मंद मुस्कान करते हुए प्रेम रस का बरसात करते हुए कंठ उर हृदय कंठ, माँ यशोदा ने नंदलाल को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया और लाड करने लगे, हाय मेरा लल्ला हाय मेरा लल्ला। फिर माताओं का प्यार अपार स्नेह है, भगवान बार बार आते हैं उसी प्यार के लिए। सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, उर कंठ लगायो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो।
समझाओ। मैंने 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 ही माँ कर गायो नैया मोरी, मैंने ही माँ कर गायो नैया मोरी, मैंने ही लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, पूरे ब्रज में आनंद है। लेकिन कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त था लाया बहारे, वक्त है लाया खजाने। अगर कहीं खुशी तो कहीं कम। जैसे यहां पर आनंद बरस रहा है, ऐसे मथुरा में पूतना के वध की सूचना कंस को मिल गई। तो मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, ये तो आप जानते ही हैं कि कुत्ते को घोड़े की गति नहीं बर्दाश्त होती। कुत्ते को कभी घोड़े की गति नहीं बर्दाश्त होती, और आज के इंसान को कभी दूसरे की प्रगति नहीं बढ़ती। दूसरे को मिटाने के लिए खुद को क्यों ना मिटा दे, पर आदत से बाज नहीं आता। आगे बड़े रोचक प्रसंग है, इसी पे दो लाइन सुनाते चलते हैं पुनः। कि जिनकी आदत बुरी लाख रोको, के आदत बुरी लाख रोको, दरअसल वो बदलती नहीं है, दरअसल वो बदलती नहीं है, वो बदलती नहीं है, दरअसल वो बदलती नहीं है, दरअसल वो बदलती नहीं है, दरअसल वो बदलती नहीं है। लाख कोशिश करो मेरे यारो,
पीछे करे बुराई, खुद को मिटा ब्रह्मांड पूरी, चाहे खुद को मिटा ब्रह्मांड पूरी। पान चलनी में भरता नहीं है, लेकिन मुश्किल है इसका निहाला, 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 लेकिन मुश्किल है इसका सब कुछ है अपना जमाना, सब कुछ है अपना जमाना, वो सब कुछ है अपना जमाना। एक बार बोले बांके भी है। कंस तरह तरह के प्रयोग करता है, कई जगह तो भागवत में ऐसा भी प्रमाण आया है आचार्य जी, को धन अंश अस्तु कंस का वर्णे कृष्ण, यानी कंस को भी कृष्ण का अंश मान लिया गया। वो अंतिम समय में माना जब समर्पण किया है, जैसे रावण कहते ना नारायण नार जीव अयन प्रवर्तक, जीवों का प्रवर्तक वही हमारा नार का दूसरा शाब्दिक अर्थ जल, अयन का अर्थ वास आवास, जिनका जल में आवास वो हमारे नार। कंस ने कहा कि किसी भी तरीके से उस बालक को मृत्यु दी जाए, धेनुकासुर को बुलाता है। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, ततश्च पौगंडवय श्रितौ व्रजे बभूव तुष्टोपसुताः सम्मतौ वाष्करन्तौ सतीभिः समं पदये वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बलराम श्री कृष्ण पोगंड अवस्था में, पोगंड अवस्था यानी छठा वर्ष, अभी इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए थे, यानी प्रवेश कर दिया था, गाय चराने की स्वीकृति मिल गई। आज हम बच्चे को बाहर नहीं भेजते ना घर में, और माताएं तो बहुत बचपन में बच्चों को संभालती हैं, वो बात अलग है कि बड़े होकर बच्चे माताओं को पानी नहीं पिलाते, माताओं की सेवा नहीं करते, लेकिन माताएं तो बचपन में अपने आप को मिटा करके भी बच्चे को जिंदगी की दुआ करती है। यहाँ तो ऐसा हुआ कि भाई सारे दर्शन को जा रहे थे, भगवान शंकर ने कहा मुझे भी जाना है,
तो सती से कहने लगे मुझे कृष्ण के दर्शन को जाना है। तो सती ने कहा जाओ दर्शन कर आओ। बोले मैया मोह दर्शन न करा। बोले क्यों? अरे माई लोगों का स्वभाव है, घर में बच्चा रोए तो पहले कह देंगे चुप हो जा। घर में बच्चा रोता है ना जब छोटा, चुप हो जा बाबा पकड़ के ले जाऊंगा। और मेरे तो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में नाग घुसित है, मस्तक पे चंद्र है। मुझे देख करके हमारे साथ भी ऐसा होता था। अभी तो महामंडलेश्वर बनाया गया, फिर पीठाधीश्वर की व्यवस्था, तो वही नियम स्वरूप बदल गया। हम तो जब बड़े बड़े बाल थे दिगंबर विभूति लगाता था, उस समय भस्म लगा कर विभूति लगाते थे, वस्त्र तो पहनते नहीं थे। कभी खाली कटी तन पे विभूति और कुछ था ही नहीं। तो जैसे गांव में मतलब इतने तो बाल थे नहीं थे, गांव में घुस जाओ तो बाहर अगर किसी का बच्चा सोता होता था ना तो भाई बोलती थी अरे लाली लड़के को अंदर सुला दे, बाबा से डर करके रोएगा रात में सोएगा। अब बाद में कहेंगे बाबा के पैर पर बोला कैसे पड़ेगा। भगवान शंकर दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन डर है कि मुझे दर्शन होगा कि और माँ यशोदा वो तो बच्चे को मेरे आगे आने ही नहीं देंगे। फिर भी भगवान गए। लेकिन रूप बदलना पड़ा। कई जगह भगवान को नटेश्वर कहते हैं ना, तो भगवान शंकर ने वहां चूड़ी बेचने वाले का रूप। कई जगह पर जादूगर का स्वरूप बताया गया, कई जगह मदारी का स्वरूप बताया गया। रामायण में मदारी का स्वरूप बताया, शिव से मिलने भगवान शंकर कृष्ण के दर्शन को आ रहे हैं। किसी ने नहीं पहचाना दर्शन करके जा रहे थे, लेकिन नरसिंह ने पहचान लिया था। कहने का मतलब एक भक्त को भक्त ही पहचानता है, दूसरे के बस की बात नहीं। गाय चराने की स्वीकृति मिल गई है, बलराम और कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं। गाय खेलने जाते हैं तो बच्चे खेल कूद एक पैर पे कूदते हैं, लंगड़ी कबड्डी बहुत सारे खेल खेलते हैं, बच्चों का स्वभाव है। भगवान आनंद ले रहे हैं। तन माधव बेण मुदीर यन वृत गोपे गुणादि स्वायसो बलान्वित असून पुरस्कृत तपस्सव्यम माविषद विहर्तु काम कुसुमा करुण। वन की शोभा का वर्णन किया है कि भोरे गुणगान कर रहे हैं, कन्या खुली हुई है, भगवान गौ चराने गए हैं। गौ का महत्व हमारे भारत में माँ से ही ज्यादा है, कुछ लोग इसे नहीं मानते। जैसे सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, काफी लोग हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, निराकार ब्रह्म को मानते, साकार को नहीं मानते। लेकिन निराकार जाने तक जाने का भी माध्यम साकार है, शाश्वत और नश्वर, सकल निष्कल, निर्गुण और सगुण। लेकिन मेरी समझ में आता है कि जो इस चीज को नकारते हैं, मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत करते हैं, क्योंकि आज के युग में अगर कोई कहता है
अभी मैं गलत नहीं हूँ तो या तो गोविंद के जैसा बहुत बड़ा विद्वान है या फिर उसको स्वयं की गलतियां नजर नहीं आती। बट हु सीज बीन, हवा को किसने देखा? अगर वो कहते हैं कि मैं साकार को नहीं मानता हूं तो मेरा एक सवाल है कि हु सीज बीन, हवा को किसने देखा? फिर भी आप कहते हो कि पवन का वेग तीव्र है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, आज हवा बंद हो गई तो उसका पहचान किससे हुआ? उसके गुण से। पवन का गुण है स्पर्श करना। निराकार पवन ने साकार शरीर को स्पर्श किया तब दोनों के अस्तित्व का भान हुआ। अगर साकार नहीं है तो निराकार का आभास नहीं होगा, और अगर निराकार है तो साकार की आवश्यकता है। अधर है तो लज्जा है, लज्जा है तो ही अधर है। ये दोनों में से एक भी कम है तो महत्व छीन। एक बार क्या हुआ, एक संत तप कर रहा था तो कहते हैं आचार्य जी कि नहा रहा है इस किना दुनिया छपी है, हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं। जब जब भक्ति के राह पे आप चलोगे ना, आलोचना की हवा चलती रहेगी और भक्ति का दीपक जलता था, जलता है और जलता ही रहेगा। हमेशा पूरक होता है, कॉम्पिटिटर जो होता है ना पूरक होता है, मतलब आपको बी पॉजिटिव रहना चाहिए, तो नेगेटिव एनर्जीज की गरज नहीं होती। संत ने साधना चालू किया, तिवारी जी ध्यान देना, तो आचार्य वर संत ने साधना चालू किया, माया का प्राकट्य होता है। माया ने कहा बाबा तू मेरी एक बात मान ले। आचार्य जी, माया ने कहा तू मेरी एक बात मान ले, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बना दूंगा। सन्यासी ने कहा अगर नहीं मानी तो बोले भिखारी बना दूंगी। माया ने कहा अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे भिखारी बना दूंगी, बोले दोनों में अंतर तो बता दे। बोले तू मेरे साथ संसार का आनंद ले, स्वर्णिम है, सुंदर है, बहुत सारी बात। सन्यासी ने कहा नहीं, ये बात मुझे स्वीकार नहीं, बोले जा भिखारी बना। तो दुष्टों की एक वृत्ति है, आपका घर जला देंगे ना तो बाद में पूछेंगे अरे भाई कुछ बचा कि जल गया, थोड़े बहुत खाने पीने की जरूरत सी हो तो ले ही हो 2-5 किलो आटा। जमाने में वाक्य द्वंद और वाक्य पटु, ये दो कम हो जाए तो बड़ा प्रेम बढ़ जाएगा। आजकल किसी के लड़के लड़की की शादी तोड़ना हो ना तो कैसे तोड़ते लोग, बड़े प्यार से। आगे तिवारी जी तुम्हारे गांव में वो फलाना आदमी है, उसकी बेटी की शादी करनी थी, कैसी है? अरे कौन वो तिवारी जी? तब आपका चेहरे का भाव उनकी समझ में आ गया कि आप एक दूसरे के नजदीक हैं, तब उनकी भाषा बदलती कैसी। हाँ हाँ तिवारी जी तो बहुत नीक बड़े हैं, बहुत ठीक ठाक घर है, परिवार है, विवाह कर लेने अपराध नहीं, लड़की भी पढ़ी लिखी है। पर मैं तो कहूंगा कि घर भी अच्छा हो और लड़की लड़का भी अच्छा हो। पर लड़की अच्छी है पर घर वालों में कुछ कमी है, बाकी आपकी मर्जी शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
लड़के वाले भैया शादी ठीक ठाक का लड़का, मेरे को बढ़िया पहलवानी करे हूँ, अच्छी खासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर जहाँ तक हमें पता कि वो कभी कभी है ना शाम को पब में जावे पार्टी वार्टी करे, और कल तो एक ने बताया कि उसे मिर्गी भी आती है। बाकी कोई बात नहीं, मिर्गी आती है, लड़के हैं कभी कभी पत्ता सत्ता जुआ खेल लेते हैं, पी खा लेते हैं, शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, शादी टूट भी जाती है ना, लाठी टूटता ना सांप मरता, ऐसे लोग भी होते हैं वहां के दोनों में। तो माया ने संत से कहा मैं तुझे भिखारी बना दूं, बोले बना दे, बोले अंतर, बोला अगर तू मेरी स्वीकार करता है तो सोने चांदी आभूषण तेरे शरीर पे होंगे, दास दासियां तेरी सेवा में होंगे, पर ये भगवा उतार देना पड़ेगा, भगवान तेरे साथ नहीं होगा बाकी सब होंगे। सन्यासी ने कहा अरे मां ऐसे हजार गम मुझे स्वीकार है जिसमें मेरे ठाकुर का प्रेम, मुझे ठाकुर का प्रेम मिलता रहे, और ऐसे महल ऐसे दास दासियां मेरे किसी काम के नहीं जो मुझे मेरे परमात्मा से दूर कर दे, यही भाव आप में होना चाहिए, क्षणिक सुख के लिए प्रभु से दूर मत जाओ मेरे भाई बहन। माया ने कहा अभी बना दिया भिखारी, माया का तो काम है, बाबा के पास न खाने की रोटी रह गई, तन के वस्त्र रह गए, जंगल में पड़े भोज पत्र को लपेट करके माया पहुंच गई, अब मजा आ रहा है तुझे, बोले बहुत आनंद रहा है, तेरा तो एहसान है, बोले कैसे, बोले वहां ये चोरी हो जाएगा वो चोरी हो जाएगा, ये आएगा वो जाएगा, हम तो बचे कई काम है, तेरे भजन कर मांग के खाना नहीं और बना के खाना नहीं, जब वो देगा तो खा लेंगे, नहीं तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जा आज से नहीं मानता तो तुझे मैंने गाय बना दिया, माया ने संत को गाय बना दिया। पूछती है कि मां, पूछती क्यों महाराज, मेरी सुन ली होती तो इस हालत में होते तुम, बोले महाराज मातृशक्ति आदि शक्ति कौन सी हालत की बात कर रही है तू, बोले गाय बन के भटक रहे, बोले इसका आगे में तुझे क्या पता, ऋषि मुनि सिद्ध योगी नर किन्नर गंधर्व रात दिन साधना करके एक परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, और ऐसे 36 कोटि देवताओं का वास मेरी गौ माता के तन में है, तो मैं तो तप करके एक को नहीं प्रसन्न कर पाता, मां तूने तो इस मंदिर में बैठा दिया जहां 36 कोटि देवताओं का वास है, अब इससे बड़ा और कौन तप का फल देगी मेरी मां, तेरा तो बार बार धन्यवाद है। बोले और तुझे तकलीफ चढ़ा ले जितना चढ़ा रहे, और बताओ मेरी मां मैं गोविंद के भक्ति के पीछे भागता था जब एक साधक था, मैं मेरे गोविंद के पीछे भागता था जब मैं एक साधक था, लेकिन माँ तेरे तकलीफ से तूने जो किया इससे इतना आनंद हो गया कि अब मैं गैया बन चुका हूँ तो मेरे पीछे गोविंद भाग रहे हैं, ये भाव तूने ही दिया, तेरा बार बार आभार है। गुरु भक्ति में इतना स्वाद निगुड़ा क्या जाए,
Thank you.